हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं कि आज के दिन ACPC की जो अपडेट डिक्लेयर हुई है, वो जिसमें रजिस्ट्रेशन डेट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो यहाँ पे दो तरह के नोटिस डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट इज इन द इंग्लिश और दूसरा है गुजराती में। ये दो तरह की नोटिस आप ACPC की वेबसाइट पर से देख सकते हो, बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मैं दोनों में ये हाईलाइट करता हूँ, तो फिर आपको जिसमें पढ़ना हो उसमें आपको इजिली फाइंड कर सके। इसका मैं आपको सिंपली इम्पैक्ट और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है पॉजिटिव साइड, मैं उनको डायरेक्टली डिस्कशन कर लूंगा, तो आपको काफी इजीली फाइंड चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि जितने ACPC को जो टारगेट था एडमिशन का, वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। काफी सारे लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो 2 दिनों की एक्सटेंड लिमिट हो गई है, यानी कि 26 और 28, यही 2 तारीख ऐसी है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। इसका रीजन मैंने बताया कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई 2 दिनों के लिए ये फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। सो चलिए, आपका ज्यादातर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब आपका टाइम नहीं बिगाड़ते हुए हम डायरेक्टली इसके इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इसके आपको क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो देखने वाले है कि ऑल द प्रोसेस विल बी डिलेड। अब जैसे कि आपको पता ही है कि 1 तारीख को आपका जो मेरिट है वो डिक्लेयर होना था, मॉक राउंड स्टार्ट होने वाले थे, बट नाउ वॉट नाउ जो जितनी भी प्रोसेस है वो सारी की सारी थोड़े थोड़े 2-3 दिनों के लिए डिले हो सकती है। आई एम नॉट श्योर, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट 99% यहाँ पे मुझे पता है, क्योंकि ऑलवेज यही होता है ACPC की प्रोसेस में। 99% आई एम श्योर कि सारी की सारी प्रोसेस 1 या 2 दिन के लिए डिले, यानी कि पीछे पीछे चली जाएगी एज पर द ये जो नया अपडेट आया है उसकी वजह से। उसके बाद इतना भी ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो जो पहले 1 वीक पहले होना था वो 1 वीक बाद होगा। इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा कि आपका कुछ भी करियर खतरे में आ जाए, इतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स एंड डू रिसर्च फॉर कॉलेज। आपको सिर्फ यही करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, कलेक्ट करनी है कॉलेज के बारे में। और दूसरी हम आगे चल के बात करने वाले पॉजिटिव साइड, आप किस तरह से इसको पॉजिटिव साइड ले सकते हो कि मोर टाइम फॉर रिसर्च। आपके पास जो भी कॉलेज करने का रिसर्च था उसका टाइम अब वो बढ़ गया है। पहले आपको 1 वीक में फर्स्ट से मॉक स्टार्ट होने वाले थे, मॉक राउंड, बट अब वो पीछे चले जाएंगे, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। आपके पास कैंपस विजिट करने का भी टाइम हो चुका मिलेगा, क्योंकि पहले क्या था कि 1 तारीख को तो आप मॉक स्टार्ट हो रहे थे, मॉक राउंड, तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो कैंपस विजिट था उसका चांस नहीं मिला था, तो अब यहाँ पे आपको चांस मिल सकता है कैंपस विजिट का। और टॉक विद द कॉलेज स्टूडेंट्स, आपके पास अभी ये टाइम भी है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने, आपको मान लीजिए कि LD में जाना है, सो उन स्टूडेंट्स को बात कीजिए उन स्टूडेंट के साथ, बट कितने स्टूडेंट्स के साथ हो सके उतना मैक्सिमम नंबर, आप एक से बात कीजिए, दो से बात कीजिए, जितने पॉसिबल है उससे बात कीजिए, बट कोई एक स्टूडेंट्स के बात बात करके उसके ऊपर आप कंक्लूजन मत आ जाना। ये मैं यहाँ पे मैं खास आपको बताना चाहता हूँ, आप हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए। मान लीजिए कि आपने 3 या 4 स्टूडेंट्स के साथ बात की है, सो उन लोगों ने जो भी आपको बताया है उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हर एक का जो ओपिनियन होता है ना वो डिफरेंट होता है। मान लीजिए कि मेरा ओपिनियन LD अच्छी कॉलेज है, कोई दूसरा बोल रहा है कि नहीं LD में मतलब निरमा में जाओ, सो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, और उसके बाद कोई एक कंक्लूजन पे आए, ना कि एक स्टूडेंट के साथ बात करके आप कंक्लूजन पे मत आना। यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने आज ही बोली है कि एक स्टूडेंट के साथ बात करके कोई भी डिसीजन है वो मत ले लेना, ठीक है। अगली बात करते हैं कि बी रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस फॉर द कॉलेज दैट यू आर चूजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं यही है कि इतना पैनिक मत होना है, ये इतना भी हार्ड स्टेप नहीं है, रिलैक्स होना है, कॉन्फिडेंट होना है। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि VGEC में, सो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉक राउंड के दरमियान भी आप कंफ्यूज हो कि क्या करूँ, LD में लूँ या निरमा में जाऊँ। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन एवरी राउंड कि मुझे हाँ VGEC में ही जाना है और मुझे उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस 100% है। अगर आपके पास ये कॉन्फिडेंस होता है सो आप अच्छे सारे से सारे राउंड क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सो आपको कॉन्फिडेंस होना है कि जो भी कॉलेज आप चूज कर रहे हो उसमें आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैंने सिलेक्ट की है LD, बट मेरे माइंड में तो निरमा ही है कि मुझे तो निरमा में ही जाना है, फिर भी मैं मजबूरी से LD में एडमिशन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे जाना है निरमा में, अब मेरे माइंड में ये है कि नहीं मुझे निरमा में नहीं जाना था, मुझे तो जाना था DAAACD में, सो यहाँ पे ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब
तभी आप वो कॉलेज सिलेक्ट करना, ठीक है? ये मेरी गोल्डन आपके लिए एडवाइस है कि ये स्टेप जरूर से फॉलो करना। सो मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ, ये मैंने हाईलाइट की है कि 2 दिनों के लिए एडमिशन फिर से खुल गए हैं, उसके ये इम्पैक्ट होने वाले हैं। इतना ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट प्रोसेस डिले होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रिसर्च ये सारी की सारी पॉजिटिव साइड थी जिसको आप काफी अच्छी तरह से कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मेरी साइड से गोल्डन आपके लिए सेंटेंस है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट में सारा का सारा इरेज कर दूं। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। ये माइंड में जरूर रखना कि कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करो उसका ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो आज के वीडियो केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक द बटन और मेरे चैनल के साथ स्टे ट्यून, क्योंकि जब भी कोई भी अपडेट आएगी मैं जरूर से आपको यूट्यूब पे मेरी चैनल पे अपडेट दे दूंगा, ठीक है? सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।